नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का तांडव जारी है। यदि देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो संख्या आई है उसमें मामूली राहत है। 3,23,000 मरने वालों की संख्या 2,771। और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 33,000 के आसपास केसेज हैं, मरने वाले 249, एक्टिव केसेज 3,04,000। गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक और मुरादाबाद से लेकर के बनारस तक त्राह त्राह मची हुई है। न ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई है और न ही हॉस्पिटल में बेड है। इसके बावजूद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, त्राह त्राह होता रहे, हॉस्पिटल में बेड न मिले, ऑक्सीजन की कमी हो, इसके बावजूद सब कुछ ठीक है। आपको याद है प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है बनारस। पिछले दिनों एक माँ ऑटो में अपने बेटे के बॉडी को लेकर के घूम रही थी। हॉस्पिटल में उसको जगह नहीं मिली। BHU से लेकर के कई हॉस्पिटल में वो घूमी थी। मरने के बाद एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई थी। यदि गाजियाबाद की बात कर लें तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संडे के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की, अपने टास्क जो 11 उन्होंने बनाया है उनकी, और साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी है, दवाई भी है, हॉस्पिटल भी है, बेड भी है। ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग लोग हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे इसमें और लोग शामिल हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है और कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब जरा आप अंदाज़ा लगाइए, कौन घर से बाहर जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता है? क्यों होना चाहेगा? क्यों जो है वो मांगी पैसे जो है हॉस्पिटल्स को और बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए कोई देना चाहेगा? क्या कोई शौक से जा रहा है क्या? लेकिन सत्ता का चरित्र एक जैसा ही होता है। दिल्ली से उठा करके उत्तर प्रदेश तक देख लीजिए और भी स्टेट का उदाहरण देख लीजिए, आपको एक ही चरित्र मिलेगा कि सब कुछ ठीक है। अभी दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली के बारे में पता चला है कि 1900 के आसपास लोगों की डेथ दिखाई गई है और डेथ हुई है 3000 के आसपास लोग हैं जिनके घर में जो डेथ हो रही है कोरोना से, उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, यानी कि आप बोल भी नहीं सकते कि ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है, बोल नहीं सकते। ऑल इज वेल, अदरवाइज कार्रवाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और बात बोल रहे हैं कि हमने पिछले 4 साल में 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और दिल्ली तो एक भी नहीं लगा पाया। अब उनसे कोई पूछे कि यदि आपने 32 प्लांट लगाए हैं तो फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों है? यानी कि चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार है, जिस समय इनको दूसरा जो वेव है उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, पश्चिम से सबक लेकर के जहाँ पे सेकेंड वेव आई थी तो इस तरह की समस्या आई, उस समय तो पूरा सिस्टम चुनाव में, कुंभ में और दूसरे दूसरे कामों में लगा था। और जब महामारी ने लोगों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया तो देर से नींद खुली, ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक जो टैंकर्स हैं उसकी व्यवस्था होने लगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था होने लगी और सैकड़ों जिंदगियां इसी में दम तोड़ती रही सड़कों पे और अस्पताल के चौकट पे। लेकिन ये राजनेता हैं, इनको शर्म नहीं आती। शर्म आए भी क्यों, इनके अपने थोड़े कोई मर रहा है, मर तो लोग रहे हैं। और दावा कर दीजिए कि सब कुछ ठीक है, कोई भी कुछ बोले कि नहीं ऑक्सीजन नहीं है अस्पताल में, बेड नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। जब पुलिस प्रशासन को ही ऐसा आदेश होगा तो कौन अपनी शिकायत लेकर के उनके पास जाएगा कि बेड नहीं मिल रहा है और अस्पताल जो है अनाप शनाप चार्ज कर रहे हैं? आपको पता है हॉस्पिटल इस समय CGHS पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। CGHS का रेट कम होता है, चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, उस पर वो एडमिट नहीं कर रहे हैं पेशेंट को। क्या तो हम कैश लेंगे, हम अलग से पैसा लेंगे। हॉस्पिटल्स को लग रहा है कि यही कमाई का सही समय है। ऑक्सीजन का लेवल जो है डाउन करके सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा आप लेवल रखोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तो कम रख करके रखना है और उसी में मरीज को दिक्कत हो रही है, मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से सब कुछ दिखाना है कि सब कुछ ठीक है। ये स्थिति है। कांग्रेस के महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने अलग चिट्ठी लिखी है योगी जी को, और सपा प्रमुख है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि मतलब कि झूठ बोलने की भी हद होती है, सच की नैतिकता खत्म हो रही है BJP के शासन में। फिर उन्होंने बहुत कुछ तंज किया है, बात में काफ़ी कुछ दम है। वैसे तो विपक्ष आरोप लगाता रहता है, बात में काफ़ी कुछ दम है। मेन चीज़ ये है कि राजनीति आप करते रहे कोई बात नहीं, कि आम आदमी क्या फील कर रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्या डॉक्टर पर्याप्त संख्या में है, पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त संख्या में, हॉस्पिटल पर्याप्त संख्या में है, बेड पर्याप्त संख्या में, सब कुछ ठीक है? तो फिर तो लोग खामखा त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें त्राही त्राही करने का शौक है। इसका मतलब तो यही हुआ।
चलिए देखते हैं, ये सत्ता है और सत्ता का एक सत्ता की जो भाषा होती है कुछ ऐसी ही होती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।